I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT News 24। शुक्रवार को पूनम पांडे के निधन की खबर उनके इंस्टाग्राम से पोस्ट की गई थी और 24 घंटे बाद शनिवार को वह खुद सामने आकर खुलासा हुआ कि उनका ये पब्लिक स्टंट था। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यह वायरल किया था, मगर बात यह होती है कि पूनम पांडे जो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं, क्या इस तरह का स्टंट जो उन्होंने किया वह वाकई लोगों को अवेयर कराने के लिए था या कुछ और, या पब्लिक स्टंट था। अब इस मामले की गुत्थी सुलझ चुकी है। इसके बाद ऑल इंडिया सन वर्क संगठन ने पूनम पांडे के खिलाफ FIR करने की बात कही है। ऑफिशियली कहा है कि पूनम पांडे ने जो मौत का झूठा ड्रामा किया है वह बहुत ही गलत है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता पैदा करने की आड़ में उन्होंने जो सेल्फ प्रमोशन किया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर आज हम पूनम पांडे को इस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे तो कल कोई भी उठकर कोई भी बड़ा मजाक अपने पब्लिक स्टंट के लिए करेगा, और अगर इसकी सजा नहीं दी जाएगी तो लोगों को इस मजाक का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही हमें बताएं कि इस तरह की जो स्टंट किया गया है, पब्लिक स्टंट किया गया है, ये कहाँ तक सही है? क्या इसके लिए पूनम पांडे को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि कोई भी उठकर इस तरह का मजाक कर सकता है और इस तरह से स्टंट किया जा सकता है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी न्यूज़ कैसी लगी। नमस्कार।